जी, आपकी आवाज जो है बीच में से जो है ना वो जो है वो ब्रेक हो जाती है, कट जाती है। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल फ्रॉम सेफ्टी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली फ्री ट्रेनिंग सेशन है निबोश IGC का। और उस फ्री ट्रेनिंग सेशन में हमने आज जो डिस्कस करना है वो 2.2 मॉड्यूल है निबोश IGC का, मेकिंग द मैनेजमेंट सिस्टम वर्क। मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है? कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट को अप्लाई करना चाह रही है अपनी हदूद के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर, अगर कोई कंपनी चाहती है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी का एक प्रॉपर निज़ाम अप्लाई करे, तो उसको क्या क्या अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी? सबसे पहली जो चीज़ है कि अगर आप HSE का मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करना चाहते हैं अपनी हदूद के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले आपने पॉलिसी बनानी है। बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी जो पॉलिसी होती है वो एक इंटेंशन है, वो एक फाउंडेशन है। पॉलिसी से मुराद डायरेक्शन या स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्टेटमेंट है, क्या बयान है, क्या कमिटमेंट है, क्या लाइन ऑफ डायरेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन की HSE को मैनेजमेंट के हवाले से। व्हाई हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इज इम्पॉर्टेंट? हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इम्पॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली ये एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम बिल्डअप कर सकें, और ऑर्गेनाइजेशन के इससे एम्स और ऑब्जेक्टिव बिल्डअप होते हैं। यानी पॉलिसी आपकी, फर्ज करें आपकी पॉलिसी है कंपनी की कि आप अपनी तमाम लेबर की सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, तो इसका मतलब है कि जो आप अपने ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स बनाएंगे उनमें जितने भी रिस्क हैं, हैजर्ड्स हैं, जिनकी वजह से वर्कर को नुकसान पहुंच सकता है, उन तमाम ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स वहां से पॉलिसी से निकलेंगे। ठीक है, तो पॉलिसी आपको एम्स और ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प करती है। पॉलिसी से आपको एम्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आसानी होती है। और बेसिकली जो पॉलिसी है वो बाज़ का एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कुछ कंट्रीज में कि कंपनी के पास हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी लाजमन होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद है जी कि ग्रुप डिस्कशन है, उसको मैं स्किप करूंगा। अब ILO की रिकमेंडेशंस क्या हैं? ILO बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल की UN के अंदर एक बॉडी है जो हेल्थ एंड सेफ्टी पे काम कर रही है, और उसका एक दफ्तर इस्लामाबाद में भी है। अब ILO की जो रिकमेंडेशंस हैं 164, वो रिक्वायर करती है, वो डिमांड करती है एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो जॉब देता है, जो कंपनी का ऑनर है, कि वो एक पॉलिसी लिख के रखे और उसके लिए अरेंजमेंट्स भी करे, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अरेंजमेंट्स भी करे वेयर सर्कमस्टांसेस वारंट इट, जहाँ पे जो हालात हैं उसको अलाउ करते हैं, और जहाँ पे लैंग्वेज भी वैसी ही होनी चाहिए, यानी पॉलिसी लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्योंकि जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, उसको सिर्फ लोकल लैंग्वेज ही ज़्यादा बेहतर समझ आती है। रिमेंबर देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ पॉलिसी। ठीक है जी, पॉलिसी के तीन मेजर पार्ट हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी डन, स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट देते हैं कि जी हम अपनी तमाम लेबर को हर तरह की बीमारियों से, हर तरह के रिस्क से बचाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अब उस स्टेटमेंट के अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, फैक्ट्री के अंदर जितने भी सर्विसेज दे रही है कंपनी, उन एक्टिविटीज को के हवाले से जितने भी रिस्क हैं, जितने भी हैजर्ड्स हैं, उनकी शिनाख्त करनी पड़ेगी। ठीक है जी,
एंड दूसरा पार्ट क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशन, हु इज गोइंग टू डू इट। जो आपने बयान दिया, जो आपने पॉलिसी में बयान दिया, उस पॉलिसी को आगे इंप्लीमेंट कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा, सुपरवाइजर करेगा, सेफ्टी ऑफिसर करेगा, सीईओ करेगा, सीनियर वर्कर करेगा। फिर उनकी उनकी जेडीज क्या होंगी, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होंगी, उनके क्या क्या काम होंगे, और तीसरी चीज अरेंजमेंट्स कि हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी विल बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। अगर मैं आपको IG-1 की बुक पे लेके जाऊं तो उधर आप देखें तो उसने बकायदा डिटेल में बताया हुआ है कि जी तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं जी। तीसरे सेक्शन में वो कह रहा है कि डिटेल अरेंजमेंट्स करें, अफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट करें, और मिसाल के तौर पर अब अरेंजमेंट्स में क्या आता है, आपने एक बयान दे दिया कि हम अपने वर्कर्स को होने वाले तमाम हैजर्ड से, रिस्क से महफूज करेंगे। ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन इसके लिए अरेंजमेंट्स क्या करनी पड़ेंगी, तमाम एक्टिविटीज जितने भी सेक्शंस हैं फैक्ट्री के अंदर, उन सब की सर्विसेज एक्टिविटीज की पहले आपको रिस्क असेसमेंट्स करनी पड़ेंगी, और रिस्क असेसमेंट के साथ साथ जितने भी हैजर्ड्स हैं उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी रिस्क की, और फिर कंट्रोल मेजर्स लेनी पड़ेंगी, फिर प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे, फिर प्रोसीजर्स बना के फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करनी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप जो स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये मैंने आपको पहले बताया, पहला पार्ट किया जी पॉलिसी का, जनरल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्लाइड्स पे जाते हैं। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, इरादे का जो स्टेटमेंट है, इरादे का जो बयान है, उसमें क्या है जी, ओवरऑल आप एम्स और ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं, इससे आप लीगल कंप्लायंस में भी आ जाते हैं, लीगल स्टैंडर्ड कोई है, ISO का स्टैंडर्ड है, उसकी कंप्लायंस भी अचीव कर लेते हैं, और तमाम वर्कर्स को भी आपने पॉलिसी के बारे में बताना है, और जब पॉलिसी बन जाएगी उसको CEO डायरेक्टर उसको साइन भी करेगा, और दैट पॉलिसी शुड बी डिस्प्लेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। आपने बयान करना है, बताना है वर्कर को कि इस कंपनी की क्या पॉलिसी है और उसके क्या इरादे हैं। ये तमाम चीजें हर उस बंदे को पता होनी चाहिए जो फैक्ट्री के अंदर मौजूद है, और पॉलिसी का रेगुलर रिव्यू भी होना चाहिए। रिव्यू से मुराद एक साल बाद आप इसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं, एक साल बाद भी कर सकते हैं, या कोई फैक्ट्री के अंदर मेजर चेंज आती है, कोई नया केमिकल, नया इक्विपमेंट, या कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो फिर भी पॉलिसी रिव्यू या रिवाइज होगी। ठीक है जी, उसके बाद पॉलिसी के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्टिव्स भी सेटिंग होती है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स में क्या है जी, जो उसूल है वो क्या है, वो स्मार्ट का उसूल है कि आपने स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रीजनेबल और टाइम बाउंड होते हैं। ठीक है जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, आपको बिठा देना। ठीक है जी, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि आपने जब पॉलिसी बना ली, और पॉलिसी बनाने के बाद जो पॉलिसी से जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, याद रखिएगा वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का क्या मतलब है जी, स्पेसिफिक होने चाहिए, मुख्तसर से मुख्तसर ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल जिसको अचीव मेयर किया जा सके, नापा जा सके, अचीवेबल हो, ठीक है, और रीजनेबल टाइम बाउंड होना चाहिए कि आप उसमें बकायदा टाइम फिक्स करते हैं कि ये हम यानी कि हादसा की रेशो 5% कम करेंगे अगले 6 मंथ में। फिर टाइम बाउंड भी होना चाहिए, डेडलाइन भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे IG-1 में बता रहा है कि मिसाल के तौर पर आपने ओवरऑल 48 रिस्क असेसमेंट्स करनी है, तो अगले 6 महीने में, एक साल में आप कितनी रिस्क असेसमेंट्स करेंगे, वो एक ऑब्जेक्टिव या टारगेट आप बना सकते हैं। ठीक
ठीक है जी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज कि जब आप ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स बना रहे हैं फैक्ट्री के लिए, तो फिर कौन बना रहा है, कौन कौन उसमें शामिल है। हर वो बंदा जो फैक्ट्री के एक्टिविटी से मुतासिर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर है, सप्लायर है, वेंडर है, क्लाइंट है, लेबर है, स्टाफ है, हर उस बंदे को आपने शामिल करना है। इवन पब्लिक को शामिल करें जो कि आपकी फैक्ट्री से मुतासिर हो सकती है, और लीगल रिक्वायरमेंट्स को देखें, तमाम हैजर्ड्स को देखें, टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस को देखें, पैसे को देखें। आप ऑब्जेक्टिव तो बना लेंगे, लेकिन क्या फैक्ट्री के पास इतना पैसा है कि वो इस चीज़ को प्रॉपरली आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ठीक ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है जी। दूसरा पार्ट ये है, पहला पार्ट था स्ट्रेंथ स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तीन पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं पहले पॉलिसी के। वन, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, क्या बयान है, क्या स्टेटमेंट है पॉलिसी का। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है कि जी कौन कौन से रोल्स होंगे, कौन कौन बंदा एक्टिव होगा, किस किस का किरदार होगा सेफ्टी की पॉलिसी या मैनेजमेंट सिस्टम बनाने में। उसमें डायरेक्टर आता है जिसके पास कमांड है, फिर डिफरेंट स्टाफ आता है, सुपरवाइजर, मैनेजर, लाइन मैनेजर, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर, एम्प्लॉयज, ये तमाम लोगों की जिम्मेदारियां हैं। एमडी की क्या जिम्मेदारी है जी? ओवरऑल पूरी फैक्ट्री की सेफ्टी का जिम्मा एमडी या मैनेजर पर होता है, सॉरी मैनेजिंग डायरेक्टर पर होता है। फिर मैनेजमेंट है, डे टू डे मैनेजमेंट में सुपरवाइजर, लाइन मैनेजर, तमाम एम्प्लॉयज का रोल है, तमाम कॉम्पिटेंट पर्सन जो फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो फर्स्ट एडर हैं या फायर फाइटर हैं, फायर मार्शल्स हैं, या कोई भी स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर है, हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई प्रोफेशनल बंदा है, उसका भी रोल होता है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में। अब जनरल अरेंजमेंट्स क्या होती हैं, ये टॉपिक फोकस है जनरल अरेंजमेंट्स के हवाले से, कि क्या क्या जनरल अरेंजमेंट्स होनी चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। क्योंकि याद हो कि तीसरा बड़ा पार्ट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने में वो अरेंजमेंट सेक्शन है। मैं आपको दोबारा लेके जा रहा हूँ स्लाइड्स में से, कि जो तीन पिलर हैं पॉलिसी के, उसमें स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा अरेंजमेंट्स है। ठीक है जी, अब अरेंजमेंट्स में क्या क्या अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, सवाल ये है। अगर आप एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो तमाम फैक्ट्री की हदूद में होने वाले जितने भी एक्टिविटीज हैं उनकी प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करें, फिर इंफॉर्मेशन दें, इंस्ट्रक्शन दें, ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाएं, हादसात की रिपोर्टिंग का बकायदा एक निज़ाम होना चाहिए, रिपोर्टिंग का और उसके डिफेंस का इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड एक्शन प्लान होना चाहिए। एमरजेंसी हो गई उसके खिलाफ क्या एक्शन प्लान लेना है, उसका बकायदा एक वर्कर से मुशावरत का निज़ाम, कंसल्टेशन विद वर्कर, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का प्रोसीजर बनाएं, वेलफेयर फलाही सहूलियात फर्स्ट एड प्रोवाइड करें, वर्कर्स को रहने की सोने की जगह प्रोवाइड करें, खाने पीने का प्रॉपर जगह होनी चाहिए, पानी दें, फायर सेफ्टी की तमाम प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन लगाएं, एमरजेंसी प्रोसीजर्स अप्लाई करवाएं और कंप्लायंस मॉनिटरिंग। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा एचएससी का निज़ाम इम्प्लीमेंट करें, तो आपकी जो मॉनिटरिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है। काइंडली माइक आप स्विच ऑफ कर दें, ठीक है जी। ये उसके बाद अरेंजमेंट्स के हवाले से वो कह रहा है कि कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स भी होती हैं। स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स कब होती हैं, जब कोई स्पेसिफिक हैजर्ड हो या सीरियस हैजर्ड हो, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आप कोई डीजल या पेट्रोल कहीं लेके जा रहे हैं,
या लोन वर्किंग का कहीं हो रही है, यहाँ कहीं पे बहुत ज्यादा नॉइस है, कहीं पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, कहीं पे टॉक्सिक मटेरियल है, या कहीं पे बहुत ज्यादा क्राउड है, कहीं पे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट है, तो ये एक स्पेसिफिक हैजर्ड्स हैं। स्पेसिफिक रिस्क के लिए आपको स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं। ठीक है जी। फिर वेस्ट डिस्पोजल है, उसके लिए भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स। अच्छा जी। और कैन ए पॉलिसी बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड? अब पॉलिसी को कम्युनिकेट कैसे करना है, बताना कैसे है, आपके जितने भी स्टाफ हैं उसको आप वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ग्राफिकल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या पॉलिसी लिखकर आप उनकी लोकल लैंग्वेज में उनको बता सकते हैं। और पॉलिसी कब रिव्यू होगी? पॉलिसी उस वक्त रिव्यू होगी जब आपके यहाँ कोई मेजर चेंज आती है, जब आपके यहाँ कोई नया केमिकल आता है, कोई नया इक्विपमेंट आता है, कोई बंदा चेंज हो जाता है, कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर पॉलिसी रिव्यू होगी। अगर कुछ भी नहीं होता ऐसा, तो 1 साल बाद स्टैंडर्ड ये कहता है आईएसओ का कि पॉलिसी आपने लाजमन रिवाइज या रिव्यू करनी है। ठीक है जी। उसके बाद रिव्यू के मैंने आपको बता दिया, वेंट टू रिव्यू हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। कोई बंदा चेंज हो गया, मैनेजमेंट चेंज हुई, प्रोसेस चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, कोई नया लॉ आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऑडिट हुआ, कोई आपके वर्कर के साथ कंसल्टेशन हुई, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ गई, देन पॉलिसी इज रिवाइज। ठीक है। या फिर एनुअली तो लाजमन आपने रिवाइज करनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर, हाउ टू प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम तभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगा जब आपके पास प्रॉपर एक हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी होगी और उसकी बकायदा स्टेटमेंट होगी। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन होगा, कौन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा। और तीसरी बड़ी चीज, अरेंजमेंट्स की, जो हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स हैं उनके हवाले से भी फैक्ट्री के अंदर एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू कैन डेवलप, क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मोहम्मद इकबाल फ्रॉम सेफ्टी एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट, यू शेयर इट, एंड यू विल ऑल्सो कमेंट फॉर फर्दर सेफ्टी सर्टिफिकेशन। वी आर ऑफरिंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सेफ्टी सर्टिफिकेशन लाइक आयोश, ओशा लेवल 6, निबोश IGC, एंड इवन वी हैव द अप्रूवल ऑफ आयोश UK फॉर लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 अवार्ड ऑफ फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड, फूड सेफ्टी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, रिस्क असेसमेंट, एंड इवन इन हैसअप एंड अदर कोर्सेज ऑफ लीड ऑडिटर एज वेल। वी आर ऑल्सो ऑफरिंग लीड ऑडिटर कोर्सेज ऑफ 9001, 14001 एंड 45001। डू लाइक अस एंड इवन विजिट आवर वेबसाइट www.safetyassociate.com, और फेसबुक पे हमारा facebook.com/safetyassociate लिखेंगे तो आपको हमारा पेज मिलेगा। वी आर ऑफरिंग फ्री ट्रेनिंग सेशन इन ऑर्डर टू डेवलप कंपिटेंसी ऑफ द सेफ्टी प्रोफेशनल विदाउट एनी कॉस्ट। हम इस फ्री ट्रेनिंग का कोई आपसे चार्ज नहीं कर रहे, और इसका सिर्फ वाहिद एक मकसद यह है कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना, दूसरों के लिए आसानियां फैलाना, और अपने प्लेटफॉर्म में रहते हुए इस कदर सेफ्टी की ट्रेनिंग्स और एजुकेशन को प्रमोट करना ताकि एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर डेवलप हो सके। और क्योंकि ये चीज़ हमारी कंपनी के विजन को सपोर्ट करती है, हमारा विजन ये है कि एक होनहार हुनरमंद सेफ्टी प्रोफेशनल ही एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है और फैक्ट्री में हादसा की रेशो को कम कर सकता है। और इसी विजन के साथ जितने भी प्रोफेशनल्स हमारे साथ आते हैं,
हम उनको एडवाइस करते हैं कि जब भी ये सेफ्टी की जॉब करें तो याद रखें कि हमारा मजहब भी कहता है कि एक बंदे की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होपफुली यू लाइक इट। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह खैर।